युवाओं की, जिसकी सबसे जबरदस्त तैयारी कराने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है केसरी बैच, जो देता है आपको चंडीगढ़ पुलिस में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का केसरी बैच और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं सोनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। और आज हम डिस्कस करेंगे आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज है 12 जून और आज हम डिस्कस करेंगे 12 जून के करंट अफेयर्स। तो सभी बच्चों को क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है, समझना है, कि जिससे आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। जो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएं, यानी कि करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चंस आए वो आपकी क्लास से ही मोस्टली आपको वहाँ पर मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से आप समझिएगा, जिससे क्वेश्चंस आपको बेहतर तरीके से आप वहाँ पर डील कर सके। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे सोलन एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया है। ठीक है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये हैं आपके हिम्मत जहां हैं, प्रशांत सिंह हैं, राह अतुल श्रीवास्तव हैं या अजय यादव हैं। क्वेश्चन नंबर वन, ध्यान रखिएगा, जो अजय यादव हैं इनको SECI यानी कि एनर्जी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का MD बोलते हैं इसको, मैनेजिंग डायरेक्टर बोला जाता है भाई, ठीक है, नियुक्त किया गया है। तो अजय यादव यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि भारतीय यूरोपीय कनेक्टिविटी सम्मेलन 2023, जिसको इंडियन EU यानी कि यूरोपीय यूनियन का मतलब होता है यूरोपीय संघ, कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस 2023 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की जाएगी या किया गया है या किया जाएगा। ठीक है, इंडिया यूरोपीय यूनियन कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस 2023 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, ये मेघालय या मिजोरम। क्वेश्चन नंबर टू, तो ध्यान रखिएगा इसमें आपका हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेघालय में इसका आयोजन किया जाएगा। जो भारत और यूरोपीय संघ की कनेक्टिविटी को लेकर बातचीत है, इसका जो आयोजन हुआ ये कहाँ पर हुआ, तो ध्यान रखिएगा ये होगा मेघालय में। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। एक बार सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे कि अभी एक सम्मेलन हुआ, विधायक सम्मेलन हुआ है। कौन सा विधायक सम्मेलन हुआ है? ये विधायक सम्मेलन कहाँ पर हुआ भाई? मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये विधायक सम्मेलन कहाँ पर हुआ है आपको बताना है। इसमें हमारे जो राज्य मंडल के विधायक हैं, जितने भी हमारे राज्य मंडल हैं, इनके जो विधायक हैं, चाहे वो विधानसभा से हो, चाहे वो विधान परिषद से हो, तो आपको बताना है कि वो आपको जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ पर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने कंबाइंड मैरिटाइम फोर्सेस से हटने की घोषणा की है? ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू बी विथड्रॉ फ्रॉम द कंबाइंड मैरिटाइम फोर्स? इंडिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा या अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि UAE। कौन है UAE? यूनाइटेड अरब अमीरात। इसने इससे हटने की वहां पर घोषणा की है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, एक बार आप कमेंट में बताएंगे कि आईफा अवार्ड जो हुआ, आईफा अवार्ड 2023, इसमें सर्वश्रेष्ठ जो मूवी रही, मूवी का नाम बताइएगा और ये कहां पर आयोजित किया गया। क्वेश्चन है दो, एक क्वेश्चन मैंने पहले आपसे पूछा, दूसरा तीसरा क्वेश्चन ये रहा, आपको बताना होगा कि आईफा अवार्ड 2023 का जो 23वां संस्करण था ये कहां पर आयोजित हुआ और सर्वश्रेष्ठ मूवी इसमें कौन सी रही है।
हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 100% प्रतिशत घरेलू कवरेज हासिल किया है? ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली अचीव्ड 100% हाउसहोल्ड कवरेज अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना। आप सभी जानते हैं जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है 2014 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो तेलंगाना एक ऐसा राज्य बना जिसने वहां पर 100% कवरेज इसका कर लिया है। कौन सा राज्य है? तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, आप सभी जानते हैं। सलारजंग म्यूजियम यहां पर है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर आप कीजिएगा। आपको बताना है कि सूखाश्रय योजना ये किस राज्य की है? सूखाश्रय योजना भाई किस राज्य की है? कमेंट में सभी बच्चे आंसर करेंगे। और इसमें क्या प्रोविजंस हैं? प्रोविजंस आपको बताने हैं, इसमें क्या प्रावधान है यह बताना है आपको। ठीक है, चलिए। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने शारजा मास्टर्स इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता, यानी कि चेस को लेकर बात चल रही है। तो ध्यान रखना कि ये जो शारजा मास्टर इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप 2023 है, इसको किसने जीता? इसको जीता है अर्जुन इरिगेसी ने। किसने? अर्जुन इरिगेसी ने इसको जीता है। तो ऑप्शन आपका बी यहां पर हो जाएगा। और ये शारजा मास्टर इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप कहां पर हुई? शारजहां में हुई है। शारजहां कहां पर है भाई? ये यूएई में है। कहां पर है? यूएई में है। आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है कि अभी खेलो यूनिवर्सिटी गेम में इसमें पहले नंबर पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? ठीक है, ये आपको बताना है। सेकंड आप बताएंगे इनका आयोजन कहां पर हुआ था, किस राज्य में इनका आयोजन हुआ था, इनका शुभंकर क्या था, यूनिवर्सिटी गेमों का शुभंकर क्या था। यह इनका तीसरा संस्करण था, मैं आपको बता देना चाहूंगा। संस्करण कौन सा था? तीसरा संस्करण था। आपको यहां पर ये तीन क्वेश्चन के आंसर करने हैं। इसमें पहला जो हुआ, पहली यूनिवर्सिटी कौन सी रही जिसने सबसे अधिक पदक जीते। सेकेंड आपको बताना है आयोजन कहां पर हुआ। थर्ड आपको बताना है शुभंकर क्या था। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में हिमालयी क्षेत्र में पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरे करने वाली भारत की पहली एनसीसी कैडेट बन गई है? ठीक है ना, ये विद्या देवी रानी है, अरुणा कुमार है, प्रिया कुमारी है, या शालिनी सिंह है? क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान रखिएगा, ये शालिनी सिंह है जिन्होंने क्या किया है, पाठ्यक्रम पूरा किया है। किसका? माउंटेनिंग का पाठ्यक्रम। भारत की पहली एनसीसी कैडेट ये होंगी। ठीक है ना, ये क्या है? पहली एनसीसी कैडेट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन बताना है कि प्रथम राफेल उड़ाने वाली महिला का नाम क्या है, जिसने प्रथम राफेल उड़ाया, ये आप बताएंगे। आपको बताना है कि सेना में पहला कमांडिंग अधिकारी बनने वाली महिला का नाम आपको बताना है कौन बनी है। ठीक है ना, आपको बताना है कि पहली सीडीएस पास करने वाली मुस्लिम महिला कौन बनी है। ये तीनों क्वेश्चन कमेंट में कीजिएगा। जितने मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं सारे आपको कमेंट में लिखने हैं। ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए ये रिवीजन का काम करेगा। हाल ही में एड्रेस रिंकविक्स किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? एस्टोनियो के, या लातविया के, लुथानिया के, या स्वीडन के? क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान रखिएगा, ये लातविया के क्या बने हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है ना, कहां के ये चुने गए हैं? लातवी के राष्ट्रपति। हमारी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, इनको किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? अभी 3 दिन पहले ही आपको कराया था, कमेंट में सभी बच्चे लिखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ट्रबो यूपीआई लॉन्च किया है? रोजर पे ने, पेटीएम ने, वीजा ने, या मास्टर कार्ड ने? तो किसने ये नियुक्त किया है जिसका नाम है ट्रबो यूपीआई? क्वेश्चन नंबर 8। तो रोजर पे जो है इसने ट्रबो यूपीआई को क्या किया है? ट्रबो यूपीआई को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किस बैंक ने अपना जो है लोगो लॉन्च किया है, और लोगो के साथ में इसने अपनी टैगलाइन को भी लॉन्च किया है। टैगलाइन को भी इसने लॉन्च किया है, कमेंट में आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, और एक चीज आप बताइएगा, जो ट्विटर है, सॉरी जो फेसबुक है, फेसबुक
और आपका व्हाट्सएप है, इसने वेरीफाइड अकाउंट के लिए कितने रुपए की धनराशि देने की बात की है? व्हाट्सएप जो है वेरीफाइड अकाउंट और फेसबुक आपका वेरीफाइड अकाउंट के लिए कितने पैसे वहां पर लेगा सर्विस प्रोवाइडर के रूप में? निम्नलिखित में कौन नई पुस्तक NTRA पॉलिटिकल बायोग्राफी के लेखक है? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू बुक NTRA ए पॉलिटिकल बायोग्राफी हु इज द ऑथर ऑफ है? निधि राजदान है, रामचंद्र मूर्ति केंदु भातला है, स्वामीनाथन अय्यर हैं, शशि देश पांडे है। क्वेश्चन बड़ा साफ सा है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसको लिखा है रामचंद्र मूर्ति कोंदु भातला, इनके द्वारा ये लिखी गई है, जिसका नाम है NTRA ए पॉलिटिकल बायोग्राफी। क्या है? NTRA ए पॉलिटिकल बायोग्राफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य के पुलिस बल ने राज्यों को नशा मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन क्लीन चलाया है? क्या चलाया है? ऑपरेशन क्लीन चलाया है कि राज्य को हमें नशा मुक्त करना है। पंजाब है, केरल है, कर्नाटक है या मणिपुर है? ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन क्लीन किसने चलाया? पंजाब ने चलाया। आपको बताना है कि ऑपरेशन ओपीएस क्या है, ऑपरेशन करुणा क्या है, ऑपरेशन गंगा क्या है, ठीक है ना, ऑपरेशन गोदावरी क्या है। इन सभी का कमेंट में आंसर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों से कि सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, हाल ही में पुराना किला ओल्ड फोर्ट में खुदाई से मौर्य युग की बसावट के साक्ष्य मिले हैं, यह निम्नलिखित में से किस वर्तमान में शहर में स्थित है? ठीक है, या जो पुराना किला है यह कहां पर है? पटना में है, दिल्ली में है, या मेरठ में है, या आगरा में है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो आपका ये जो पुराना किला है ये आपको दिल्ली में मिल जाएगा। जब आप दिल्ली घूमने के लिए आएंगे तो पुराना किला आपको मिलेगा, लाल किला आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। हुमायूं का मकबरा आप यहाँ देखेंगे, ठीक है ना, हुमायूं का मकबरा। साथ ही साथ आप यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कुतुब मीनार, कुतुब मीनार आपको यहां पर मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें मौर्य युग के क्या मिले हैं? बनावट के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका यहां पर हो जाएगा बी। हाल ही में आंकड़ों के अनुसार 2022-23 के या में केंद्र का राजकोषीय घाटा, जिसको हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं, प्रतिशत GDP कितना है? 6.4 है, 6.71 है, 5.9 है या 4.5 है? क्वेश्चन नंबर 12। तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा 6.4% आंसर, ठीक है। कितना है? 6.4% इसका आंसर यहां पर हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत की अपनी, भारत को अपनी KSS 3rd बैच 2nd पनडुब्बी प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव दिया है? रशिया ने, इसराइल ने, अमेरिका ने या दक्षिण कोरिया ने? तो भारत को जो अपनी पनडुब्बी देगा ये कौन सी है? ये दक्षिण कोरिया, जिसका नाम है KSS, और ये 2nd stage वाली पनडुब्बी है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी यहां पर सही हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, S-40 जो हम मिसाइल सिस्टम लेंगे ये किससे लेंगे? रशिया से लेंगे। रोमियो हेलीकॉप्टर हमने कहां से लिए? ये हमने अमेरिका से लिए भाई, किससे? अमेरिका से हमने रोमियो हेलीकॉप्टर को ग्रहण किया है। और स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो हमने ली ये कहाँ से ली भाई? ये हमने ली है अमेरिका से नहीं, ऑस्ट्रेलिया से ली है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम कहाँ से लिया? ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम हमने लिया है रशिया से। बराक कहाँ से लिया है? इजराइल से, ध्यान रखिएगा, इजराइल से, ठीक है ना। राफेल जो लड़ाकू विमान है ये कहाँ से लिए? ये हमने फ्रांस से लिए हैं। कहाँ से? फ्रांस से लिए हैं। तो ये सारी जानकारी आपको पता होनी अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन सी नई पुस्तक जिसको रिंग साइड अप ए क्लोज एंड पर्सनल ऑफ एन इंडियन ए बियॉन्ड के लेखक हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई? शशि थरूर के, राजदीप सरदेशाई, डॉक्टर संजय बारू, डॉक्टर विजय दर्डी, ठीक है ना। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो विजय दर्डी के द्वारा इसको लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। संजय बारू ने एक पुस्तक लिखी थी जो मनमोहन सिंह ने
मनमोहन सिंह के ऊपर थी और उसमें अभी मूवी बनी थी, उसका नाम आपको बताना है, ठीक है? उसके ऊपर मूवी बनी थी जिसमें अनुपम खेर ने मनमोहन सिंह का किरदार निभाया था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग हिंदू मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया जाएगा? 3D, 3D का मतलब होता है 3D, 3D आपको इसका दिखाई देगा, ठीक है? जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड के आपको एक ही डायमेंशन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, एक ही तरफ से आप इसको देख पा रहे होंगे, लेकिन अगर ये 3D होता तो आप इसके 3 डायमेंशन जरूर देख लेते। तो यही होता है 3D। ये कहां पर बनाया जाएगा भाई? ये तेलंगाना में बनाया जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है? तो ये था आज का आपका सेशन करंट अफेयर्स का, आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहां पर कराए गए हैं, अगर आपको कोई समस्या वहां पर आती है, उत्पन्न होती है, आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, जिस बच्चे ने अभी तक 700 जो वैकेंसीज आई हैं चंडीगढ़ पुलिस में, इनका फॉर्म फिल नहीं किया, वो भर दीजिएगा। आपका जो केसरी बेंच है ये आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है, क्लासेस आपकी चल रही हैं जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो यहाँ पर मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेंगे, डाउट सेशन मिलेगा, ठीक है ना? किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आपको प्रोवाइड किया गया है फोन नंबर, आप नंबर पर कॉल कीजिए और जानकारी वहाँ पर ले सकते हैं। क्लास बिल्कुल बेसिक से वहाँ पर आपको कराई जाएगी, ध्यान रखिएगा। आपकी CHSL के लिए क्लासेस 15 तारीख से जो है चालू हो चुकी हैं, तो ध्यान रखिएगा, जिस बच्चे ने अभी तक इसमें इनरोल नहीं किया वो इनरोल कर सकता है, ठीक है ना? सभी बच्चों को यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट जो आपके हैं या फुल कोर्स आपका कंप्लीट वहाँ पर कराया जाएगा मात्र 299 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसके अलावा और भी आपके कोर्सेज हैं, जैसे CRPF के लिए स्पेशल बैच है, CGL के लिए संकल्प बैच है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आपका, UP कॉन्स्टेबल के लिए आपका बैच है, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, GKS बिल्कुल कंप्लीट यहाँ पर कराया जाता है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ मैथ्स और रीजनिंग के लिए रात 8 बजे आपकी क्लास चलती है अजय सर के द्वारा, जिसमें यहाँ पर अल्टरनेटिव डेज पर आपको YouTube पर ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, किसी भी प्रकार का कोई भी पे आपको यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है? कुछ लिंक आपको दिए गए हैं जिसके द्वारा आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे ऊपर जो लिंक है ये SSC मेकर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको दिया गया है, आप गूगल प्ले स्टोर से भी जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आपको यहां मिलेगा, और आपको मैं बता दूं यहां से आपको क्या मिलेगा, PDF के साथ साथ में टेस्ट सीरीज आप यहां पर ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही साथ आप यहां पर क्या कर सकते हैं, जो है आप कोर्स में इनरोल यहाँ पर हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आप हमें इस लिंक से इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, फेसबुक पे फॉलो करेंगे, ये टेलीग्राम चैनल है भाई जिसको आपको ज्वाइन करना है, ठीक है? क्या करना है, ज्वाइन करना है, किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आपको समस्या यहाँ पर आती है, आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इस लिंक के माध्यम से। ये आपका यूट्यूब चैनल है जिसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन दबाना होगा जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचे। तो भाई ये था आज का सेशन, सभी बच्चे मिलकर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे जिससे क्लास सभी बच्चों तक पहुंचे, सभी बच्चे क्लास से जुड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।